वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की स्टूडियो में हम देखेंगे कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी विथ 5 स्टेप, मतलब हम जावा के को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो उसके 5 टेप्स होते हैं, वो हम वन बाय वन आज की स्टूडियो में कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ जावा ड्राइवर्स। ठीक है, 5 स्टेप टू कनेक्ट टू द डेटाबेस इन जावा। फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। सेकंड है क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। थर्ड स्टेप है क्रिएट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ है एग्जीक्यूट एंड क्यूरी एंड लास्ट वन क्लोज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इनको हम वन बाय वन कवर करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। द फॉरनेम मेथड ऑफ क्लास इज यूज टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। हम फॉरनेम जो मेथड है जावा में उसको क्लास को रजिस्टर कर ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज टू डायनेमिकली लोड द ड्राइवर्स। ये जो मेथड है फॉरनेम मेथड, ये हम इसको यूज करते हैं डायनेमिकली ड्राइवर्स को लोड करने के लिए। सिंटैक्स फॉर ऑफ फॉरनेम मेथड, ये जो हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड फॉरनेम स्ट्रिंग, यहाँ पर हम स्ट्रिंग का क्लास नेम डालेंगे जो भी होगा हमारा वो। यहाँ पर हम थ्रो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, हम यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, एग्जाम्पल टू रजिस्टर द ओरेकल ड्राइवर क्लास। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हियर जावा प्रोग्राम इज लोडिंग ओरेकल ड्राइवर टू एस्टेब्लिश डेटाबेस कनेक्शन। हम यहाँ पर क्लास डॉट फॉरनेम मेथड यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पर ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर यहाँ पर हम उसका पाथ दे देंगे। ठीक है, और लास्ट में कोलन देकर हम इसको स्टेटमेंट को एंड करेंगे। सेकंड स्टेप जो है वो है क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। द गेट कनेक्शन मेथड ऑफ ड्राइवर मैनेजर क्लास इज यूज टू इस्टेब्लिश कनेक्शन विथ डेटाबेस। हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए गेट कनेक्शन मेथड यूज करते हैं। सिंटैक्स ऑफ गेट कनेक्शन मेथड, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन, यहाँ पर स्ट्रिंग का यूआरएल डालेंगे हम और एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन। और पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन स्ट्रिंग यूआरएल स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग पासवर्ड थ्रो एसक्यूएल एक्सेप्शन। हम इसको दो टाइप से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल टू इस्टेब्लिश कनेक्शन विद द ओरेकल डेटाबेस। यहाँ पर हम कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यहाँ पर हम उसका पाथ दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम उसका पासवर्ड दे देंगे। क्रिएट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, थर्ड स्टेप जो है वो है क्रिएट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। द क्रिएट स्टेटमेंट मेथड ऑफ कनेक्शन इंटरफेस इज यूज टू क्रिएट स्टेटमेंट। द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट क्वेरी विद डेटाबेस। इसका जो सिंटैक्स है वो है पब्लिक स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट, और यहाँ पर भी हम एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे एसक्यूएल ई एक्सेप्शन। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टेटमेंट एस टी एम टी स्टेट इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, और फोर्थ स्टेप जो है वो है एग्जीक्यूट द क्वेरी। द एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड ऑफ स्टेटमेंट इंटरफेस इज यूज टू एग्जीक्यूट क्वेरी टू द डेटाबेस। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड हम स्टेटमेंट को इंटरफेस के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। दिस मेथड रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट सेट दैट कैन बी यूज टू गेट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। ये जो मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी, ये अपने को रिजल्ट सेट रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। सिंटैक्स ऑफ एग्जीक्यूट क्वेरी, इसका क्या सिंटैक्स होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट क्वेरी, यहाँ पर स्ट्रिंग एसक्यूएल और यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करेंगे एसक्यूएल ई एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिजल्ट सेट इक्वल्स आर एस इक्वल्स टू स्टेट एस टी एम दी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फॉर्म ई एम पी, मतलब यहाँ पर एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, वो एम्प्लॉय नाम के टेबल से सिलेक्ट करना है। ठीक है,
जैसे हम एसक्यूएल में क्वेरीज लिखते हैं उसी तरह यहाँ पर भी हमको क्वेरीज परफॉर्म करनी है। यहाँ पर है नेक्स्ट लाइन में फाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, यहाँ पर हम व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं, जब आर एस डॉट नेक्स्ट आएगा तब ये अंदर का स्टेटमेंट चलेगा, कौन सा वाला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आर एस डॉट गेट एल एन गेट इंट वन प्लस, यहाँ पर स्ट्रिंग दिया हुआ है वो यहाँ पर परफॉर्म होगा। और फिफ्थ स्टेप जो है वो क्लोज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पर जो हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश करा था उसको क्लोज कर देंगे। बाय क्लोजिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट एंड रिजल्ट सेट विल बी ऑटोमेटिकली द क्लोज मेथड ऑफ कनेक्शन इंटरफेस इज यूज टू क्लोज द कनेक्शन। यहाँ पर सिंटैक्स दिया हुआ है क्लोज मेथड का, पब्लिक वॉइड क्लोज थ्रो एसक्यूएल एक्सेप्शन, यहाँ पर हम पब्लिक वॉइड क्लोज मेथड के साथ हमारे जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करा था हमने उसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। एग्जाम्पल टू क्लोज कनेक्शन हम कैसे क्लोज करते हैं, सी ओ एन डॉट क्लोज बोल के। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम जावा को कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।